हेलो गाइस, आज की जो वैकेंसी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के तरफ से निकल के आ रही है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटॉमिक एनर्जी का ऑथोराइज पार्ट रहने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4500 प्लस रहने वाला। जी हाँ, जिसमें डिप्लोमा बी बीटेक आईटीआई एमएससी ग्रेजुएशन बीकॉम सभी कुछ अप्लाई कर सकता है। 10th 12th ऑल्सो इसमें एलिजिबल रहने वाला है। फ्रेशर बिल्कुल ही अप्लाई कर सकता है। ऑलमोस्ट इसमें सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी रहने वाला है। सैलरी आपको काफ़ी अच्छा खासा पे किया जाएगा। बिल्कुल ही लेटेस्ट एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब रहने वाला है। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। ये देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो बिल्कुल ही लेटेस्ट में जारी किया गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया, इसके एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट 24 अप्रैल रखा गया और एप्लीकेशन का लास्ट डेट 25 मई रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है। टेक्नीशियन ऑफिसर सी के लिए टोटल नंबर ऑफ 181 वैकेंसी, साइंटिफिक असिस्टेंट बी में 7 वैकेंसी, टेक्नीशियन बी में 24 वैकेंसी। उसके बाद कैटेगरी 1 और कैटेगरी में 2 में देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी रखा गया है। इसमें सैलरी अपने हिसाब से मेंशन किया हुआ है, जिसमें डिप्लोमा बी बीटेक आईटीआई एमटेक एमएससी ग्रेजुएशन सभी कुछ अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर ग्रुप ए का वैकेंसी है, ग्रुप बी ग्रुप सी, उसके बाद यह ट्रेनिंग रखा जाएगा प्रोबेशन पीरियड में आपको, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें सैलरी आपको काफ़ी अच्छा खासा पे किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी मेंशन किया हुआ है, अपने हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी मेंशन किया हुआ। सबसे पहले इसका ए सैलरी सिलेबस जान लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एमएससी एमएलबी बी बीटेक एमटेक सभी कुछ अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपको बायोसाइंस या बायोकेमिस्ट्री में इसमें एलिजिबल है। टोटल नंबर 1 वैकेंसी है। इसमें डिप्लोमा बीटेक और आईटीआई के लिए काफ़ी अच्छा खासा नीचे में वैकेंसी दिया गया। मैं आपको बारी बारी से बायफर्केट कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है, ऑनर्स होना चाहिए आपके पास। फिजिक्स एग्रीकल्चर केमिकल सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर देख लेते हैं। ओनली आपके पास बी बीटेक होना चाहिए या बीएससी है इसमें, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद देख सकते हैं ड्रिलिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल मेटलर्जी सभी के लिए वैकेंसी रखा गया है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखा गया, काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी है। उसके बाद देख सकते हैं आपको इसमें रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखा गया है, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 7 वैकेंसी है। आपके पास फूड टेक्नोलॉजी में बीएससी होना चाहिए, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बॉयलर अटेंडेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ 24 वैकेंसी है। इसमें सारा कुछ आपके पास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद जो वैकेंसी है ट्रेनिंग स्कीम के लिए, जिसमें डिप्लोमा बी बीटेक आईटीआई सभी कुछ अप्लाई कर सकता है, और इसी में आपको कम से कम 4000 प्लस वैकेंसी रहने वाला है। इतनी शानदार वैकेंसी बहुत ही कम आती है। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग, जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल रहेगा। ओनली आपके पास डिप्लोमा है 3 साल का, आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट AICTE अप्रूव्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑथोराइज कॉलेज से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ओनली 10th के पास डिप्लोमा होना चाहिए, या ITI है या BSc है MSc है, सारा कुछ इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला यहाँ पर वैकेंसी रखा गया बायो केमिस्ट्री या बायो साइंस या लाइफ साइंस में देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 21 वैकेंसी, इसमें ओनली आपके पास BSc डिग्री मांगा गया रिलेवेंट फील्ड में, और कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए देख सकते हैं टोटल 169 वैकेंसी, आपके पास ओनली देख सकते हैं BSc होना चाहिए केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट एंड फिजिक्स और मैथमेटिक्स एस्टेटिक्स बायोलॉजी एज सब्सिडी सब्जेक्ट, मतलब आपके पास केमिस्ट्री में ऑनर्स होना चाहिए और साथ ही साथ सब्सिडी में मैथमेटिक्स या फिजिक्स या अदर रिलेवेंट सब्जेक्ट इसमें मांगा गया है। यहाँ पर अदर क्राइटेरिया भी मेंशन किया, देख सकते हैं BSc विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट्स विद इक्वल वेटेज, इसमें सारा कुछ अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स के लिए भी वैकेंसी रखा गया है, टोटल नंबर 117 वैकेंसी रखा गया। कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं 25 वैकेंसी है, इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन मांगा गया है। एग्रीकल्चर के लिए 2 वैकेंसी, हॉर्टिकल्चर के लिए 6 वैकेंसी, केमिकल में देख सकते हैं 171 वैकेंसी, इसमें ओनली आपके पास डिप्लोमा मांगा गया। इलेक्ट्रिकल में 144 वैकेंसी, आपके पास ओनली डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देख सकते हैं 98 वैकेंसी, इसमें आपका डिप्लोमा
इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल या टेली कम्युनिकेशन में, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ 59 वैकेंसी है। इसमें डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं टोटल 328 वैकेंसी रखा गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी दिया गया। डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। मेटलर्जी के लिए देख सकते हैं 5 वैकेंसी रखा गया। आर्किटेक्चर के लिए देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 2 वैकेंसी ओनली आपके पास डिप्लोमा। सिविल में देख सकते हैं 62 वैकेंसी, ऑटोमोबाइल में 4 वैकेंसी। इसमें सारे कोर ब्रांचेस को एलिजिबल किया गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकता है, सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए वैकेंसी रखा गया, इसमें आपके पास ओनली डिप्लोमा या बीएससी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारा रिजर्वेशन मेंशन किया हो। पीडब्ल्यू कैंडिडेट वालों के लिए भी वैकेंसी रखा गया। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग देख सकते हैं आईटीआई वालों के लिए, जिसमें फीटर, टर्नर, मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 69 वैकेंसी, 213 वैकेंसी, 99, 18, 399, 26, 226। इसमें ओनली आपके पास 10th के बाद ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें बिल्कुल ही अप्लाई कर सकता है। सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया, अपने हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं। फिजिक्स वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रखा गया, केमिस्ट्री, सारा कुछ इसमें अप्लाई कर सकता है। रिजर्वेशन एज पर रूल्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो कि आपको अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम आपका हाइट देख सकते हैं 160 सेंटीमीटर मांगा गया है, एंड वेट यहाँ पर देख सकते हैं 45.5 केजी, और आपको इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर रूल्स। यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हैं एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इसके एप्लीकेशन का लास्ट डेट इसका क्रूशियल डेट रहने वाला, वहीं से आपका एज काउंट किया जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर एज लिमिट दिया गया, आपको अपने हिसाब से रीड कर लेना है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में देख सकते हैं, टेक्नीशियन बी के लिए वैकेंसी रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी, और इसके बाद देख सकते हैं कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी में, इसमें मिनिमम 19 ईयर और मैक्सिमम 24 ईयर्स। इसमें भी देख सकते हैं मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एज पर रूल्स मिल जाएगा, जिसमें OBC के लिए 3 साल और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स और अदर कैटेगरी के लिए एज पर रूल्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं अपने हिसाब से रीड कर लीजिएगा। सिलेक्शन मेथड की बात करें देख सकते हैं यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर सी में सिलेक्शन विल बी ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू, मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड कैटेगरी 1 और स्टाइपेंडी ट्रेनिंग में देख सकते हैं आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट में जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फर्दर आपसे एक और मेन टेस्ट लिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंटरव्यू, एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स स्कोर इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। द डिसीजन ऑफ दिस सेंटर इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल, मतलब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसको आपको ओनली क्वालिफाई करना है, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है इंटरव्यू बेसिस पर होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है टेक्नीशियन बी कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए देख सकते हैं उसमें टेस्ट लिया जाएगा, मतलब ITI वालों के लिए रखा गया है, जिसमें आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जहां पर ITI वालों का एग्जाम होता है खास करके PSUs में या बड़े बड़े रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर आपका स्किल टेस्ट और एडवांस टेस्ट जरूर लिया जाता है। CBT का यहां पर सिलेबस मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया जिसमें टोटल नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स से 20, साइंस से देख सकते हैं 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रखा गया है। पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है और 1/3 का यहाँ पर देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग रहने वाला है, आपको अपने हिसाब से रीड कर लेना है। इसमें देख सकते हैं जनरल 40% लाना होगा और अदर कैटेगरी को 30% यहाँ पर लाना होगा। एडवांस टेस्ट का भी यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, डिटेल से आपको अपने हिसाब से रीड कर लेना है। अप्लाई करने के प्रोसेस की बात करें तो जो भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो BARCOnlineExam.com के ऑफिशियल वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मेंशन किया हुआ है, फोटो, सिग्नेचर, यहाँ पर उसका साइज़ भी मेंशन किया हुआ, आपको रीड कर लेना है और इसी के हिसाब से आपको अप्लाई भी करना है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी को फैक्स भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर सी में 500 रखा गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150 रखा गया है, टेक्नीशियन बी में देख सकते हैं 100 रखा गया है। इसमें कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखा गया, यूआर के लिए 500 रहने वाला है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पर उसके बाद अदर कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और स्टाइपेंडरी डिप्लोमा एंड आईटीआई वालों के लिए बात करें कैटेगरी वन यानी डिप्लोमा वालों को 150 एंड आईटीआई वालों को 100 रखा गया है। एग्जेम्पशन आपको एज पर रूल्स मिलने वाला है, कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं तो आपका एग्जामिनेशन कई सारे सिटीज़ में होने वाला है, आप अपने हिसाब से नियरेस्ट लोकेशन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है एडमिशन टू एग्जामिनेशन, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट भी मेंशन किया हुआ है कि आपको डीवी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी मेंशन किया हुआ है। यदि आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसका प्रोफॉर्मा नीचे में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर एनेक्जर बी सी डी यहाँ पर मेंशन किया हुआ, आपको अपने हिसाब से रीड करके उसका प्रिंट आउट लेकर जब आपका नीड होगा तो उसमें आप बनवा सकते हैं। इसमें जो भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फर्दर आप अप्लाई करिए। और देख सकते हैं जो ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, उसमें आपका पहले 2 साल का ट्रेनिंग करवाया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, जो कि रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी यहाँ पर रहने वाला है। जब आप ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्दर आपको एज ए रिप्यूटेड पोस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपका बेसिक पे 35,400 रहने वाला है, ओवरऑल ग्रॉस सैलरी आपका देख सकते हैं 50,000 जाने वाला है, और आपको ग्रुप बी का डायरेक्ट पोस्ट अलॉट किया जाएगा। इसमें देख सकते हैं कैटेगरी वन साइंटिफिक असिस्टेंट सी में देख सकते हैं लेवल 7 का सैलरी है, जिसमें 44,900 बेसिक पे है। इसमें डीए टीए सारा अलाउंस पे करके आपको कम से कम 80,000 सैलरी रहने वाला है। टेक्नीशियन डी डेंटल टेक्नीशियन के लिए देख सकते हैं लेवल 5 का सैलरी है। उसके बाद कैटेगरी 2 में देख सकते हैं डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए अपने हिसाब से मेंशन किया हुआ है। इसमें भी आपका ओवरऑल स्टार्टिंग में सैलरी 2 साल तक 40,000 रहने वाला है, और आफ्टर ट्रेनिंग आपका काफ़ी अच्छा खासा सैलरी रहने वाला है। खास करके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जैसे NPCIL बार्क कोई भी इसका इंस्टीट्यूट होता है, उसमें आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है। यदि आप कंपनी को 3 साल से पहले लीव कर लेते हैं तो इसका क्षतिपूर्ति पे आपको करना पड़ेगा, कम से कम 3 या 2 लाख रुपया पे करना पड़ता है। अब आप अपने हिसाब से ज्वाइन करना है। इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमारे टेलीग्राम पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल जाएगा। इस चैनल के माध्यम से टेक्निकल फील्ड में आने वाली सभी जॉब अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करता हूं। यदि आप भी चाहते हैं किसी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस न करें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, एंड बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपको पल पल जॉब अपडेट्स मिलता रहें।